डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का मौसम है, यकीनन गर्मी से परेशान होंगे, लेकिन साथियों हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हर तरह के मौसम से नवाजा है और हर मौसम के लजीज फलों से भी नवाजा है। कितने ही ममालिक ऐसे हैं जहां गर्मी का मौसम ना होने की वजह से वहां गर्मी के फलों की पैदावार होती ही नहीं है, उन्हें ये फल दूसरे ममालिक से मंगवाने पड़ते हैं, जिसके सबब उन ममालिक की आवाम को ये फल महंगे दामों खरीदने पड़ते हैं। हम वो खुशनसीब लोग हैं कि हर मौसम का फल हम मुनासिब दामों खरीद सकते हैं और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही लजीज फल पैदा होते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त आम है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि आम का सिर्फ जायका ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि आम में इतने फवायद मौजूद हैं कि उन्हें शुमार करना मुश्किल है। आम आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। ये गर्म इलाकों में ही पाया जाता है। आम में 20 से ज्यादा अकसाम के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। आम की बहुत सी अकसाम होती हैं और हर किस्म ही तकरीबन एक मुनफरिद जायका रखती है। आम की मिठास और लज्जत से तो बहुत से लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन आम के बेशुमार फवायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए आज मैं आपको आम के चंद अहम फवायद बताती हूँ। सबसे पहला, आम में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो ना सिर्फ जल्द को नरम और मुलायम रखते हैं, बल्कि जल्द में मौजूद दाग धब्बे भी ख़त्म कर देते हैं। आम को कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह को बराबर रखने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद कहा जाता है। आम खाने से इंसान अमराज़ कल्ब से भी महफूज रहता है। आम में विटामिन ई पाया जाता है, जो जिस्मानी खलियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के काबिल बनाने के साथ साथ कैंसर जैसे मर्ज से भी महफूज रखता है। आम में विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की वाफिर मकदार पाई जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी कुव्वत मुदाफियत बहुत बढ़ जाती है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखने और आँखों की बिनाई बढ़ाने में भी मुआवन साबित होता है। आम कमज़ोर हड्डियों को महफूज बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। आम में विटामिन B6 भी खासे मकदार में पाया जाता है, जो इंसान की दिमागी खलियों को मजबूत करता है, दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है और दिमाग को तरोताज़ा रखता है और हमारे अजबी निज़ाम को भी तकवियत पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे इंसान तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। जहाँ आम में मिनरल्स और विटामिन्स की खासे मकदार मौजूद होती है, वहीं इसी में कॉपर, जिंक और मैग्नीश की भी वाफिर मकदार मौजूद होती है, जिसके बायस गुर्दों, बड़ी आंत, मुंह और ब्रेस्ट कैंसर जैसे अमराज के अलावा फॉलेज और लीमो की वजह से भी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। आम में मौजूद रेशे, जिनको फाइबर भी कहा जाता है, आंतों की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे हमारा निज़ाम हज़म बहुत मजबूत हो जाता है। हमारे निज़ाम हज़म को मजबूत और दुरुस्त रखने के अलावा आम में फाइबर खून में इंसुलिन की मकदार को भी नॉर्मल रखते हैं और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस मसलन नज़ला, ज़ुकाम और नाक की सोजिश वगैरह से भी महफूज रखते हैं। साथियों ये चंद अहम फवायद थे जो हमें आम से हासिल होते हैं। इसके अलावा भी आम में बहुत सारे फवायद मौजूद हैं, जो कि जायके के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।